47 स्टार्ट करते हैं जी। आज का प्लान आपके सामने लिखा है। प्लान तो आपको पता है मेरा, हर दफा इसी किस्म के बड़े बड़े प्लान होते हैं, आज ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। ठीक है जी, आपको दो सवाल होमवर्क में दिए थे, तीन दिए थे, मतलब दो आज डिस्कस हो जाए अल्लाह करे ये भी। ठीक है, तो प्लान मेरा ये है, पहले टाइमथी एंटरप्राइजेस जो है वो डिस्कस करूंगा, बातें बंद कर दें अब। ठीक है जी, और उसके बाद स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स को कर लेंगे। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स पहले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें डाउटफुल डेट की भी शायद थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़े, तो ये ना हो कि इतना लेंथी हो कि दूसरा सवाल रह जाए, तो पहले हम टाइमथी को कर लेते हैं डिस्कस। ये रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। रिक्वायरमेंट रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता है हम तो ये काम करेंगे। ठीक है, हम तो करेक्टिंग एंट्रीज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई चमक तुमक तो नहीं पड़ रही भाई? यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर अपनी वो रिक्वायरमेंट एड्रेस कर लेते हैं और उधर फिर वर्किंग्स और सारा कुछ करते रहेंगे। ठीक है, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करते चलेंगे साथ साथ। तो रिक्वायरमेंट है करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें और करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो पहले अनएडजस्टेड बताओ, अनकरेक्टेड या अनएडजस्टेड? अनएडजस्टेड जीपी कितना है जी? ये देखो जी, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट, बता दिया था ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा जी, ये रो नंबर 3 से ऑनवर्ड्स बच्चे जो हैं वो इधर होकर बैठे प्लीज, ताकि आने वाले मौजूद मेहमानों को बैठने में देर न लगे। ओके, अच्छा जी, ड्राफ्ट का मतलब बता दिया था, अभी ऑडिट होना होता है, फाइनल नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद कोई ऑल्टर आकर चीजें चेक करते हैं, और बातें ना करो यार अब्दुल्ला भाई, आप भी बातें ना करें। ओके, अब कुछ गलतियां निकलती हैं, ऑडिटर कहते हैं कि इसको सही कर लें, और सही करने के बाद फिर वो ऑडिट रिपोर्ट जब दे देते हैं तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल समझा जाता है। ठीक है ना, तो अनएडजस्टेड वो कह रहे जी, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाइमथी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017 शोज जीपी ऑफ 850,000 में कर लूं अगर आप लोगों की जरूरत हो तो। हाँ, ये कर लेंगे कि फिर इसमें ना फ्रैक्शन को नहीं इग्नोर करेंगे। सोल्यूशन जरा देखना बुक के अंदर, वो थाउजेंड में है या पूरी फिगर्स है, तो फिर हमें पॉइंट को एग्जैक्ट लगा लेना चाहिए ताकि जब सोल्यूशन जाके मैच करें ना बुक से, क्योंकि हमारा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होना है। वो आई कैप के तरीके पे सोल्यूशन हुआ है, मतलब काम सारा वही करना है, लेकिन आपको थोड़ी सी बात ये कही थी कि साथ साथ आपने नहीं देखते रहना। देखो ये क्या है, सेल, कल बात हुई थी ना, कॉस्ट ऑफ सेल, जी पी, एड अदर इनकम, लेस एक्सपेंसिस और नेट प्रॉफिट। अब इधर देखो, अगर तो कोई चीज यहां पर हरकत कर जाए सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में, तो वो इंपैक्ट डालती है जीपी पे और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट पड़ता है नेट प्रॉफिट पे भी। और जो चीज जीपी के बाद चेंज हो, कोई एडजस्टमेंट आए, तो उसका जीपी पे कोई असर नहीं पड़ता। अब आईकैप ने क्या किया, सही भी है वैसे तो, लेकिन मुश्किल है, जो चीज जीपी को हिट करती थी एडजस्टमेंट में, उसने जीपी वाली एडजस्टमेंट में भी दिखाया और नेट प्रॉफिट वाली में भी दिखाया। हम ऐसा नहीं करेंगे वरना ऐसे ही कंफ्यूजन का शिकार होंगे। ठीक है ना, हम सुकून से जो इंपैक्ट जीपी में पड़ेगा उसको नीचे नहीं शो करेंगे, और जो नेट प्रॉफिट में पड़ेगा उसने ऊपर नहीं शो होना वैसे ही। अब जब एंड पे सारी एडजस्टमेंट जीपी की आ जाएंगी तो एक ही बार वो प्लस होना है या माइनस होना है वो उठा के नेट प्रॉफिट पे डाल देंगे। अभी हम देखते हैं, आंसर हमारा सेम ही होगा। ठीक है, सही है। अच्छा चल, तो अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 850 आ गया, जरा मुझे दिखाना सोल्यूशन कितनी को एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा और ऊपर कर लें इसको, नहीं मुझे देखने जरा, 1 2 3 4 कितनी एडजस्टमेंट है, 7 है, 8 9 है, 1 मिनट, 1 2 नहीं, असल में नेट प्रॉफिट भी है ना, तो नहीं करना तो इधर ही है, उधर तो सारी वर्किंग्स करनी है, यहाँ पे यहाँ करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमने, तो पहले अनएडजस्टेड, ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, प्लस माइनस ही देखना। अनएडजस्टेड जीपी कितना बताया अभी आपने, 850, और ये रुपीज इन थाउजेंड्स है। ठीक है जी, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती जाएंगी, कुछ लेस होती जाएंगी, तकरीबन कोई 3 4 5 6 7 8 9 काफ़ी हैं बस। उसके बाद ऐसे ही हम करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पर, और इसके लिए भी हमें पहले चाहिए होगा अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट, और वो सवाल ने हमें दिया हुआ है 460। ठीक है जी, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा आ जाएगा, थोड़ा स्मार्ट की स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस ही शो करना है ना, असल काम हम वहाँ पे कर लेंगे खुला डुला। ओके चल, शुरू करते हैं जी काम, ये है हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया जी, ओके जी, अब ये कुछ प्रॉफिट्स उसने बता दिए ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट से निकाले हैं हमने, और फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब हम रिव्यू कर रहे थे या ऑल्टर रिव्यू कर रहे थे जो भी कर रहा था, फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड, कुछ एरर हो गए हैं, जिसमें पहला क्या है,
एंड इनवॉइस ऑफ 3700 वॉज डेबिटेड टू परचेजेस. अच्छा मैं यूं करता हूँ, ऐसे वन बाय वन करते जाते हैं, ऐसे क्या वो टेबल बनाना ठीक है ना. एडजस्टमेंट वन में ऐसे ओरिजिनल लिखेंगे, फिर रॉन्ग लिखेंगे, फिर रेक्टिफाइंग, क्या ख्याल है? ठीक है ना, ऐसे वन बाय वन चलते. तो क्या है जी, वो कह रहा है एन इनवॉइस ऑफ 3700 वॉज डेबिटेड टू परचेज, ये हुआ है, बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब अगर हम याद करें इंट्रो में, तो हम एक उसूल लिखा करते थे, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, FOBCIF वाला कोई जिक्र ना हो, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, जब गुड्स रिसीव करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही है, और जब गुड्स डिलीवर करेंगे तो सेल रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही है ना. तो गुड्स रिसीव होनी है तो परचेज रिकॉर्ड होनी है. अब वो क्या कह रहा है, इस साल में ड्यूरिंग द ईयर ये एरर पकड़ा गया, क्या एक परचेज 3700 की रिकॉर्ड हुई पड़ी है, ठीक है, एक इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब उधार वाली परचेज, ठीक है ना. एन इनवॉइस ऑफ 3700 वॉज डेबिटेड टू परचेज, यानी एंट्री हो गई है परचेज इज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट. लेकिन वो कह रहे हैं गुड्स तो ईयर एंड के बाद रिसीव हुई है, इसका मतलब इधर देखो, ओरिजिनल एंट्री क्या है, ओरिजिनल एंट्री क्या है कि कुछ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुई, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर. भाई इनवॉइस का मतलब पेबल ही होता है ना, वैसे भी सवाल खामोश हो तो हम अजम्पशन लेते हैं कि ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, उधार वाली है, ठीक है ना. परचेजेस डेबिट कितने से, 3.7 से, और क्रेडिटर क्रेडिट, तो ओरिजिनल कुछ नहीं होना चाहिए था, गलती से ये हो गया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जिसका इम्पैक्ट हम लिया करेंगे, ठीक है. रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, क्रेडिटर को डेबिट करो और परचेजेस को 3.7, ठीक है. अब हमारा मकसद बैलेंस शीट आज है ही नहीं, क्योंकि उसने हमें क्या कहा, करेक्टेड प्रॉफिट निकाल दो, जीपी या नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो हिट करती हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स. इसका मतलब जब रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिटर को हम नहीं देखना, हम सिर्फ इस इंपैक्ट को पकड़ेंगे और इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे सोचेंगे, ठीक है. परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस, बोलो समझ आती है. और एक्सपेंस हो रहा है कम, एक्सपेंस क्या हो रहा है कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट, ये तो पता है ना आपको, इतनी बातें तो याद है ना, कि अगर इनकम बढ़े तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं. कहता है इनकम बढ़े तो प्रॉफिट कम होते हैं, भाई भाई कह रहा है भाई. और अगर इनकम कम हो तो प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं, एक ये रूल बचपन वाला. फिर एक्सपेंसेस अगर बढ़े तो प्रॉफिट्स कम होते हैं, एक्सपेंस जो हुआ इनवर्स रिलेशन, और अगर एक्सपेंसेस कम करें हम, जिनको रिवर्सल कह रहे होते हैं, तो प्रॉफिट्स उस वजह से बढ़ जाएंगे. ये हो गया दूसरा रूल. ऐसे ही अभी तीसरा आपको स्टॉक के बारे में रिवाइज करा के लिखवाऊंगा, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी पहले करवाऊँगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आई एस एट के अंदर इस तरह के मामला ज़्यादा यूज़ होने हैं कन्वेंशनल रेक्टिफिकेशन से, लेकिन वो भी यूज होनी है पर बड़ी आसान लेवल की. तो इसलिए प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट देखना, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आईएएस 8 को करने के लिए. खैर वो तो ज्यादा मसला उन बच्चों को हो जिन्होंने इंट्रो पढ़ी नहीं हुई, आप तो ये इंपैक्ट देखना जानते ही हैं, बस आईएएस 8 के अंदर आपको उसकी अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना. लेकिन हम बाहर रिविजन कर रहे हैं, ठीक है जी. ये रूल्स हैं, ये रूल्स ऐसे ही, रूल्स मतलब ऐसे होता है, पता है ना, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ में लिखा रूल्स, उसके नीचे इनकम, ये मैंने लिखा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम, लिखो लिखो अपने पास, लिखो जल्दी करो, रूल्स की हेडिंग दो जल्दी करो. अब मैं इसको नहीं मिटा रहा, जल्दी करो, कहाँ ले जाऊँ इसको उठा के, बोर्ड तो यही है ना, इधर करूँ तो इधर रेक्टिफाइंग एंट्रीज कौन करेगा, एडजस्टमेंट्स ढेर सारी हैं जी. मैं चाह रहा हूँ कुछ ना मिटे. लिखो रूल्स में, इनकम बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इनकम कम हो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लाइन लगा दो जल्दी जल्दी जल्दी. इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा. थोड़ा ऐसे ऐसे भी करके देख लिया करो थोड़ा सा. आप कौन सा स्क्रीन के सामने हो? अच्छा अच्छा है ना, यहाँ पे फजूल सी बात बस लिख दी हमने, जो आप रजिस्टर पे एक मिनट में लिख लोगे, अहम बातें बाकी अलग. दूसरा रूल, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है, नॉर्मल सी बात है, ये मेरे बोलते बोलते ही लिख सकते थे आप लोग, देखने की जरूरत ही नहीं, कैमरा पे तो नहीं ना चमक पड़ रही है यहाँ पे, वो नहीं ऐसे ऐसे हो सकते जी. एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होगा, और एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये दूसरा रूल हो गया. ऐसे ही तीसरे रूल के लिए जगह खाली छोड़ दें, वो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन याद ही होगा, नहीं तो मैं याद कराऊंगा ना आज, ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे. ओके करें शुरू काम, चले. अच्छा जी आप इधर देखें, परचेजेस क्या है, परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है. चलो यहां पर एक काम कर लेते हैं, मैं यहां पे ना थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, सेल्स लेस पुराने वाला कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें आता होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड
कैरेज, मैंने कैरेज लिख दिया, ठीक है ना, समझ जाओ कैरेज लिखा हुआ है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, इनका टोटल जो होता था कॉस्ट ऑफ सेल कहलाता था, और ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होकर जीपी आया करता है, ठीक है जी। तो जीपी के बाद ऐड होती थी अदर इनकम्स और लेस होते हैं एक्सपेंसेस बाकी के सारे, ठीक है। इंट्रो वाले लेवल की इनकम स्टेटमेंट है और हम पहुंच जाया करते थे नेट प्रॉफिट, ये वैसे ही बना दिया। परचेज रिटर्न भी इधर ही आएगी ना जहाँ परचेज आती है, सेल रिटर्न भी इधर आएगी जहाँ सेल आती है, तो बस ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा बस आपको थोड़ा इशारा ही कराना था, बाकी तो समझदार है। कहने का मकसद ये है कि ये जो एरिया है सेल्स और ये ओपनिंग स्टॉक परचेज, चाहे रिटर्न हो, कैरेज इन, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ और जीपी, ये वो एरिया है। इधर कोई एडजस्टमेंट भी हो वो जीपी को भी हिट करती है और फिर नीचे जाकर, लेकिन हमने उसको नहीं सोचना, वो एक ही बार लिख लेंगे हम, ठीक है ना, आप देखेंगे एंड पे। फिलहाल हमने इनको अलग अलग कर लिया और जो खर्चे जीपी के बाद या इनकम्स जीपी के बाद आएंगी वो जीपी को हिट नहीं करती, वो सिर्फ नेट प्रॉफिट को हिट करेंगी, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट करनी है। ये बात समझ आ गई? यहां तो नहीं चमक पड़ रही किसी को? आमिर भाई ये नजर आ रहा है एंड तक? ओके, कोई इतनी अहम बात भी नहीं, नजर ना भी आए तो अच्छा। चले शुरू करते हैं, आप सवाल शुरू करो। परचेजेस कहां पे आ रही हैं, जीपी से ऊपर या जीपी से नीचे? जीपी से ऊपर। तो फिर इन्होंने जीपी को इंपैक्ट डालना है, बस फिर नेट प्रॉफिट पे नहीं सोचना हमने, ठीक है, वो बाद में एक ही बात। तो अब जीपी मतलब प्रॉफिट का कम होना हम जीपी को कर देंगे, ठीक है ना। अब परचेजेस क्या हो रही हैं, क्रेडिट यानी कम। परचेजेस क्या है, एक एक्सपेंस ही है ना, तो एक परचेज एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को। तो हमने यहां पर आकर लिखा एड, और यार ऐसे एडजस्टमेंट मान क्यों ना लिख लें, जानना छुड़ा लें जी, 3.7। क्या ख्याल है, ज्यादा आसानी सुकून हो गया? कौन इधर अंग्रेजियां लिखे, परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड हैज बीन रिवर्स्ड, एडजस्टमेंट वन, एग्जामिनर देख लो जाके, ये उसका इम्पैक्ट है। ये भी सही है, ये भी सही है, गलत काम नहीं बताऊंगा कि ये कर लो, नंबर काटने वाला काम थोड़ी बताऊंगा, पढ़ाने के लिए आपको बुलाया है ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिखना चाहे, तकलीफ महसूस कर रहा हो तो यहाँ पर लिख ले रिवर्सल ऑफ परचेज, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, ये मैं बताता रहूंगा पर मैं लिख नहीं रहा। रिवर्सल ऑफ परचेज भाई, परचेज परचेज परचेज, परवेज नहीं, परचेज। ओके जी, ठीक है। अच्छा मुझे पता है इसका इंपैक्ट इधर ही पड़ना है, लेकिन छोड़ो, वो एक ही बार जब एंड पे इंपैक्ट निकलेगा ना इकट्ठा ही, एक ही बार यहाँ पे हम छुड़ा देंगे, ठीक है। चलें आगे, यहां तक समझ आ रहा है? कहीं पे कंफ्यूजन हो तो रोक लेना मुझे, चलूं आगे। इजाजत, बड़ी मेहरबानी जनाब, जरा नवाजी का शुक्रिया। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, क्या मतलब, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। 2000 का कैरेज इनवर्ड है, ठीक है जी। वॉज इंक्लूडेड एज, यानी था कैरेज इनवर्ड। अच्छा अल्टीमेटली है तो एक्सपेंस ही, पर मसला यह है, एग्जामिनर की फनकारी यह है कि उसने सिर्फ नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं मांगा कि इग्नोर करके भी काम चल जाता, बात समझिए। अगर कहता ना नेट प्रॉफिट क्या इंपैक्ट है, तो हम कहते ओ भाई एक जगह एक्सपेंस, एक एक्सपेंस यहां पर ऐड होने की वजह यहां पे ऐड हो गया, बट ठीक है अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसने कहा नहीं अलग अलग बताओ, तो हमें अलग अलग बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैरेज इनवर्ड था तो मतलब यहां पे आना चाहिए था, कुछ काम ना डायरेक्ट भी करेंगे, अब क्या एंट्री करनी, ठीक है, फजूल में ऐसे, ठीक है। यहां पर हम क्या कहेंगे, कैरेज ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कैरेज इनवर्ड को बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है। कैरेज इनवर्ड क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं, एक्सपेंस ही है, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बना रहे होते हैं। ये देखो यहां पर कैरेज इनवर्ड ऐड हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में फिर ऐड ही हो रहा है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स एक्सपेंस भाई, सिंपल। मैं स्लो कर रहा हूं भाई, सवाल कोई मसला नहीं है, सुकून से सोचो। कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड इज आल्सो इज एन एक्सपेंस, बस फर्क ये है कैरेज इनवर्ड को हम कॉस्ट ऑफ सेल में शो करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एक्सपेंस ही है, और कैरेज आउटवर्ड को एक्सपेंसेस में शो करते हैं, प्रेजेंटेशन ही है ना बस, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड यानी एक्सपेंस को बढ़ाने से ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, यानी ये करना था ना ओरिजिनली, ये यहां पर आना था, नहीं आया तो ले आओ, एंट्रीज करना चाहो तो कर लो भाई। एंट्री क्या है, कैरेज इनवर्ड डेबिट कैश क्रेडिट करना था, हमने कर दिया कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो सही करने के लिए कैरेज इनवर्ड को डेबिट करेंगे, कैरेज आउटवर्ड को क्रेडिट करेंगे, फजूल काम क्यों करें भाई, जो टेक्निकल होगी एडजस्टमेंट वो कर लेंगे, यहां पर डायरेक्ट सोच सकते हैं, क्या ख्याल है, चल सकते हैं या करूं एंट्रीज, जरूरत है कोई नहीं है ना खाम खास फजूल में टाइम जाया करने की, ठीक है। सादा बात यह है कि कैरेज इनवर्ड को हमने बढ़ाना है, और तो जहां पर मेरे से इस सवाल के अंदर ना, जहां पर मुझसे इस सवाल के अंदर मुमकिन हुआ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट सोच लूंगा वक्त बचाने के लिए, और जो टेक्निकल एडजस्टमेंट होगी जिसमें आपको एंट्री भी सिखानी चाहिए, तो ओरिजिनल भी करूंगा, रॉन्ग भी करूंगा, रेक्टिफाइंग भी कर दूंगा, ठीक है। अगर कहो तो इसकी भी कर देता हूं, रेक्टिफाइंग एंट्री ही मैं लिख रहा हूं, देखो
कैरेज इनवर्ट, अभी बोला आपको, फिर सुन लो एक बार ताकि आगे के लिए पक्का हो जाए कि जहां जरूरत नहीं है मैं नहीं करूंगा। कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस डेबिट होना था, कैश क्रेडिट होना था, हो गया। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट सही करने के लिए क्या करेंगे? कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस डेबिट, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट, कैरेज इनवर्ट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट। जो मैंने ये रेक्टिफाइंग एंट्री ही लिखी है भाई, टाइम बचाने के लिए। आप पर्चे में ये भी ना लिखो, जबानी करो, ये रिक्वायर्ड थोड़ा ही था, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ट जीपी से ऊपर की चीज है, तो जब इस एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तो जीपी कम होगा, जीपी कम होगा, तो लेस एड लेस, कोई तरतीब नहीं, बस करते जाओ। एडजस्टमेंट नंबर टू, आप कोई मुश्किल होगा तो ऐसे मैं लिख भी दूंगा आपके लिए। ये क्या है जी? कैरेज इनवर्ड रिकॉर्डेड, कैरेज इनवर्ड रिकॉर्डेड कितना? अब जब टू से इसको रिकॉर्ड किया तो इसने जीपी को कम कर दिया, ठीक है। यहां तक कहानी खत्म। मुझे पता है इसका इंपैक्ट नीचे जाना है, लेकिन हम वो साथ साथ नहीं देख रहे, ठीक है। अब आओ वापस, अब जहां पे वो आउटवर्ड गलत रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स भी तो करेंगे ना। अब जब उसको रिवर्स करेंगे तो इसका इंपैक्ट जीपी पे नहीं आना बल्कि नेट प्रॉफिट पे। अब एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने ऐड कर दिया, सॉल्यूशन ही देखना साथ साथ, मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन के अंदर यहां नजर ही नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये टू का माइनस इधर आना है और ये टू का ऐड इधर आना है, तो कैंसिल होना है ना। आई कैप ने लिखा ही नहीं था, मेरी बात समझो। ये टू मैं इस पर इंपैक्ट डालू तो ये दो इसको भी कम करेगा ना। देखो ना, असल में कहानी पता है क्या है? असल में कहानी ये है कि ये 850 हमें यहां से उठाकर दे दिया उसने, और ये 460 यहां से उठाकर दे दिया इसने, ठीक है ना। तो ये पहले से फिगर्स निकली हुई हैं जो यहां पर हमें उठाकर दे दी हैं उसने। तो अगर कोई चीज यहां पर हिट कराएं तो उसने इसको इंपैक्ट डालना है, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा ही चेंज होना है, एक्सेल की शीट थोड़ी है, उस पर भी इंपैक्ट हमें लेना ही पड़ना था ना। अब उसूली तौर पर एक बार ये भी सुनी लो, ये दो की कमी अल्टीमेटली इसको भी कम करती, बोलो, और फिर ये दूसरा रिवर्सल इसको बढ़ा देता, तो दोनों कैंसिल होकर जीरो होते हैं ना। आई के अपने इसको प्रेजेंट ही नहीं किया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहां गया, ये कहां गया, इसलिए मेरा तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। मैंने क्या कहा, इसको एंड पे एक ही बार देख लेंगे। अब कैरेज इनवर्ड को बढ़ाया यानी रिकॉर्ड किया तो उससे जीपी कम हो गया, हो गया। कैरेज आउटवर्ड को कम किया तो इससे जीपी पे तो कोई असर नहीं पड़ना, जीपी के बाद की कहानी है, ठीक है। तो जीपी के बाद की कहानी क्या है? नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सपेंस कम होने से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऐड कर दिया हमने एडजस्टमेंट टू, लिख लो पर्चे में, काफी है, लेकिन चलो आपके समझाने के लिए। कैरेज इनवर्ड रिवर्स्ड, कैरेज इनवर्ड रिवर्स, यू लिख लो कैरेज आउटवर्ड रिवर्स, बल्कि बेहतर यही है ना, सही है। कैरेज इनवर्ड को ही आउटवर्ड लिखा हुआ था ना, क्या कर दिया हमने? ये आपके समझाने के लिए अभी पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं थी, पर्चे में ये लिख दिया, काफी है। ओके, कितना समझ में आ रहा है? ये मैं कह रहा था कि अगर इस टू का इंपैक्ट साथ इधर लेना तो ये कैंसिल हो जाता है, पर हम साथ साथ लेने की मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, मुश्किल होता है संभालना उसको। सुकून से चलते रहो, जो जीपी से ऊपर की चीज है उसको जीपी पे हिट कराओ, जो जीपी से नीचे की चीज उसको नेट प्रॉफिट पे हिट कराओ, अल्लाह खैर सलाह एंड पे देखते हैं क्या करना है। यहां तक मेरे साथियों सारे किया हुआ है ना ये सवाल पहले, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रही। किस किस को समझ नहीं आ रही? माजी याद आ रहा है, तो इसमें दुखी होने क्या बात है यार, अच्छा है ना। अच्छा जी, नहीं हो रहा बंद यार इस क्लास में भी, एक मिनट जरा पॉज करें। अच्छा जी भाई, ऐसी जरा थोड़ी देर बंद कर दें फिर ऑन कर दीजिएगा थोड़ी देर में। अच्छा, नंबर थ्री क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बल्कि तरतीब तो यहीं पर ही थी। अच्छा इधर देखो, इधर देखो भाई, अज्यूम करते हैं एक डाटा, सेल्स हैं 100 रुपये की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक है 5 रुपये, परचेजेस हैं हमारी 80 रुपये, लेस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 15 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल बताओ 70 है। मैं भी ऐसे 70 दोबारा बोला था, लाइन सीधी कर रहा था। अच्छा, उसके बाद जीपी कितना आ गया? 30, ठीक है जी। बस आगे क्या जाना, बस जीपी पर इंपैक्ट देखने हैं क्लोजिंग स्टॉक का, नेट प्रॉफिट पे तो खुद ब खुद ही पड़ जाता है। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएं या कम करें उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है। अच्छा, किसी को याद है कि क्या इंपैक्ट पड़ता था? डायरेक्ट था, ये याद आया ना, प्रूफ कर लेते हैं, जिनको नहीं याद आ रहा उनको भी याद आ जाए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को एक बार बढ़ा के देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को एक बार बढ़ाते हैं, ठीक है। सब कुछ सेम रखें, ठीक है, सब कुछ सेम रखें, 100, 580, और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दें 20 कर दें, चले ठीक है 20 कर दें, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर गया और 65 और प्रॉफिट बढ़ गया।
जितने से क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया उतने से प्रॉफिट भी बढ़ गया। बात समझे हो? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमने रूल लिखा नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ाएं तो प्रॉफिट। भाई यहां चमक पड़ रही है, यहां पे अब कोई नहीं पड़ रही था, बताना यहां पे नहीं है। अच्छा फिर चलो, फिर भी सुन लो जिनको पड़ रही हो चमक। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है ना, प्रूव किया हमने। अच्छा बाकी चीजें सेम रखो, क्लोजिंग स्टॉक को कम करके भी देख लेते हैं। 100, 5, 80 और 5। ओके 5 क्या, उधर भी 5, इधर 8। ठीक है जी, अब बताओ भाई क्या बनता है? 77 माइनस करो 20। लो भाई इधर देखो, इधर देखो, 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 देखो। क्लोजिंग स्टॉक को 5 से बढ़ाया तो प्रॉफिट भी 5 से बढ़ गया। दूसरी सिचुएशन, क्लोजिंग स्टॉक को 7 रुपए से कम किया तो प्रॉफिट भी 7 रुपए से। तो हेंस प्रूव क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन प्रॉफिट से डायरेक्ट है। ठीक है, ये इतना बता भी देता तो काफी था, लेकिन चलो प्रूव भी कर लिया हमने। तो ये रूल हम याद रख लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ जाता है और क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, और कभी भी ओपनिंग स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट सोचेंगे नहीं, बस उलट। ठीक है ना, इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर, याद आ रही है बातें? बिकम्स, हाँ नहीं याद आ रही इसको, बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड। तो फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था तो वो क्लोजिंग स्टॉक वाले पीरियड का ओपनिंग बनेगा ना, तो वो भी बढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसके इंपैक्ट को सोचना नहीं है, याद यही रखना है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट कम, बस याद नहीं रखना उसको, बस इतना याद रखना है कि ऑपोजिट है, ओपनिंग स्टॉक ऑपोजिट है ना। इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए इनका इंपैक्ट डिफरेंट है, ऑपोजिट है। अब इतना सोच के परेशान क्या होना, सादा बात याद रखने वाली, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स होगा। ठीक है ना, अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट, और ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा तो फिर ओपनिंग बढ़ा पड़ा होगा, तो ओपनिंग के बढ़ने से प्रॉफिट ने, लेकिन यहां पे उसकी जरूरत नहीं थी, आइए सेट की तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है, डायरेक्ट रिलेशन। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा तो फिर ओपनिंग भी कम हो गया तो उसकी वजह से प्रॉफिट, हाँ वो उलट बात बस सोच लेनी है, बगैर सोचे बस ऑपोजिट। और सोचना है तो प्रूव कर लो, ऐसे ही घर पे एग्जांपल बनाना, मैं नहीं बना रहा, घर पे एग्जांपल बना लेना, क्लोजिंग को 15 ही रख लेना, ओपनिंग को बदल के देख लेना। ओपनिंग बढ़ाओगे प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग कम करोगे प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इसको लिखो मत, इसको मत लिखो, लिखने वाली बात मैंने लिख दी है, एनफ है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट। अब कितनी को बातें याद रखें, बस ये याद रख लें, ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट उलट होना है इसके, बस। ठीक है, मानोगे ना मेरी बात, सिर्फ यही याद रखोगे ना, ये रूल 3 पूरा हो गया हमारे यहाँ। ओके, तो ये 3 रूल्स, ओके सही है। अच्छा जी चले वापस आए, कहाँ चले, कहाँ निकल गए थे हम? टी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड, वाह वाह बोलो, वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। पीरियोडिक परपेचुअल याद है? हाँ यस सर, जिनको नहीं याद वो इंट्रो वाली क्लास में बैठ जाएं जाके, वहां पे शायद एक आध दिन बात हो जाए उस पर, एक डेढ़ दिन से ज्यादा बात नहीं होनी, 2 दिन से वो वाली मौजें नहीं होनी इन्वेंटरी में, लेकिन जितनी जरूरत होगी जाहिर है वो पढ़ाना जरूरी है। पीरियोडिक परपेचुअल का बताना पड़ेगा, एवको फाइफो का थोड़ा बताना पड़ेगा, एनआरवी का बताना पड़ेगा, ये 2 दिन में बता सके बंदा 3 दिन में, लेकिन वो तो आप बहुत डिटेल से पढ़ के आए हुए हैं ना। ठीक है, बहरहाल पीरियोडिक सिस्टम, जिसको याद नहीं है उसको मैं याद कराता हूँ। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनाते थे, ठीक है, हम इन्वेंट्री का लेजर, परचेजेस का लेजर बनता था, सारा साल सिर्फ गुड्स का आना रिकॉर्ड करते थे, जाते वक्त कोई एंट्री नहीं करते थे गुड्स की, ईयर एंड पे फिजिकल काउंट करते थे, जो क्लोजिंग स्टॉक निकलता था उसकी एंट्री पास करते थे स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। भाई इधर देखो, ये जो है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं ये ब्लैक वाली बैलेंस शीट बनाऊँ, ये इनकम स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जो स्टॉक आता था वो कौन सा आता था, क्लोजिंग कौन सा वाला, तो ये वाहिद चीज़ होती थी, आपको याद होगा इंट्रो में, जो 2 जगह नजर आती थी, और ये ट्रायल के बाद पड़ी होती थी, मतलब डबल एंट्री हो रही है, और ये डबल एंट्री ही तो हो रही होती थी, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम करते थे, ओपनिंग की भी करते थे,
परपेचुअल में नहीं जरूरत पड़ती थी क्योंकि लेजर बन रहा होता था, ठीक है। तो पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री हुआ करती थी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ करती थी। भाई इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता इस क्लास में, आपने इंट्रो पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई तो आप गलत क्लास में बैठे हैं, दूसरी क्लास मौजूद है, आप उधर तशरीफ ले जाएं जी। एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होती थी, वो एंट्री क्या होती थी, एंट्री तो हुई पड़ी है, ये काम करते थे ना हम, क्लोजिंग स्टॉक को यहां से निकाल के, सर यहां तक आते थे तो हम काफी आधे को बच्चे भाग गए थे, फाइनल अकाउंट हमने किए ही नहीं थे। एनीवेज इन्वेंट्री का टॉपिक तो तकरीबन सबने किया, तब एग्जामिनेशन का रोला नहीं पड़ा था, ठीक है। तो भाई एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम में होती है, परपेचुअल में नहीं होती, ये तो याद रह सकता है ना, पीरियोडिक में एंट्री होती है परपेचुअल में नहीं होती। और पीरियोडिक में क्या एंट्री होती है, जो इनकम स्टेटमेंट आपके जहन में है ना, खाका और बैलेंस शीट, वो एंट्री ही हुई पड़ी है। देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट में स्टॉक आ गया, कैसे आया, डेबिट होगा तो भाई यहाँ पे आया ना, और निकला कहाँ से, कॉस्ट ऑफ सेल, ये एक्सपेंस है, इसको माइनस कर रहे हैं तो मतलब क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हुआ करती थी स्टॉक डेबिट, मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और सबकी जो है ना डेथ हो गई है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की, देख लें रिवीजन हुई थोड़ी सी। इन परपेचुअल सिस्टम, इन परपेचुअल सिस्टम नो एंट्री फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इज मेड, रिवीजन चल रही है क्यों जी, बिकॉज हाँ जी इन्वेंट्री अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड दीज आर ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन ऑफ अकाउंट, ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है। अगली बात नहीं लिख रहा, बस कितनी को तफसील लिखूं, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना होता है और इस साल का क्लोजिंग हम लेजर में बैलेंसिंग निकालते हैं, और आपको पता है क्लोजिंग फिगर्स की कोई एंट्री हम नहीं किया करते, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन की करते हैं। तो परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं करते, जाहिर है फिर ओपनिंग की भी नहीं करते, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम क्लोजिंग की एंट्री भी करते थे, ओपनिंग की भी। क्लोजिंग की एंट्री सामने नजर आ रही है, सामने नजर आ रही, बोलो, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, और ओपनिंग की एंट्री याद नहीं रखनी, वो इसके उलट ही है, दैट्स इट, ठीक है। ओपनिंग की एंट्री बस याद में लिख नहीं रहा, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, बस इसके उलट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अच्छा देख लो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है इससे, बाहर छोड़ो बस क्या याद रखें। तो दो बातें हमने आज रिवाइज की, पहली बात क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, ठीक है, बस ओपनिंग को मत सोचो, वो उसके उलट है। दूसरा परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं हुआ करती थी, यादें ताजा हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। पीरियोडिक में जो एंट्री होती थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट के अंदर माइनस हो गई, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। ओपनिंग की एंट्री नहीं सोचनी, वो इसके उलट है। कुछ नोट करना है तो करें, फिर सवाल की तरफ आते हैं। किधर, बिकॉज इन्वेंट्री अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड दीज आर ब्रॉट डाउन एंड कैरी डाउन, यार अब अगली बात समझ जाओ ना, मैंने ये सोचा कि अब अगली बात आप समझ जाओगे, अगर नहीं समझ रहे तो लिखो, इन्वेंट्री अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस इज कैलकुलेटेड एज अ बैलेंसिंग फिगर, लिखो लिखो, फिर लिखना है तो लिखो, फिर मौजे करो, बिकॉज इन्वेंट्री अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस इज कैलकुलेटेड एज अ बैलेंसिंग फिगर। चलो ये तो अच्छा होगा, फिर समरी सी बन गई। इधर देखो, इन परपेचुअल सिस्टम सिर्फ क्लोजिंग लिख लेते हैं, नो एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज मेड बिकॉज इन्वेंट्री अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज, यानी क्लोजिंग स्टॉक इट इज कैलकुलेटेड एंड शोन एज अ बैलेंसिंग फिगर, ओके, और सही है, यानी कि कैरी डाउन। और ओपनिंग वो अगले पीरियड का, यही अगले पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा, या पिछले पीरियड क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो परपेचुअल सिस्टम में कोई एंट्री नहीं होती क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट प्रिपेयर होता है और इट इज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज कैलकुलेटेड, आप क्लोजिंग स्टॉक लिख लें, इट ना लिखें, इट मारने वाली नहीं, कंध वाली नहीं जी। इन परपेचुअल सिस्टम नो एंट्री ऑफ, याद, ये बात याद आई है कुछ कुछ, इन जिनको नहीं आई भाई वो क्लास बदल ले, मैं कह रहा हूँ। इन परपेचुअल सिस्टम, वैसे खैर इतना की इस्तेमाल है जितना बता दिया, इन परपेचुअल सिस्टम नो एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज मेड बिकॉज इन्वेंट्री अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज कैलकुलेटेड एंड शोन एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है सीडी। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हम इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनाया करते थे, परचेजेस का लेजर बनता रहता है, और साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक गिनती करते हैं,
फाइफो या एफको लगाते हैं और जो स्टॉक आता है क्लोजिंग उसकी एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में लिखते हैं डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल में से उसको करते हैं क्रेडिट, ताकि हम ये कहें कि ये तो अभी बिका ही नहीं है, इसको एक्सपेंस ना बनने दो, इसको एसेट बना लेते थे। याद आ रही है बेसिक्स? इंट्रो याद है माजी? परपेचुअल सिस्टम में नहीं एंट्री होती क्लोजिंग स्टॉक की, पीरियोडिक सिस्टम में होती है, ठीक है? इसीलिए ये रेक्टिफिकेशन वहां पे कंफर्टेबल था, क्यों? क्योंकि इन्वेंटरी का टॉपिक करके आते थे, ये बातें ऐसे टिप्स पे होती थी, साथ ही रेक्टिफिकेशन भी हो जाती थी। अब रेक्टिफिकेशन तो थोड़ी थोड़ी याद है, इन्वेंटरी भूल गई है, क्या कर सकते हैं? अपना रजिस्टर ओपन कीजिएगा घर जाके इंट्रो वाला, और जस्ट एक नज़र पहले दो कुछ लेक्चर्स को देख लीजिएगा जिसमें उस्ताद ने आपको पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम की एक्सप्लेनेशन दी होगी और कोई एक आधा सवाल करवाया होगा, जस्ट वो देख लीजिएगा, एवरीथिंग विल बी ओके फाइन। ये उसूल समझ में आया कुछ? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है जो ज्यादा इस्तेमाल हुआ करेगा, इन पीरियोडिक सिस्टम। इन पीरियोडिक सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। ये कितने बच्चों को समझ नहीं आई बात? ये एंट्री होती है, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री सोचनी नहीं है, बस ये याद रख लो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री इसकी उलट है, बिना सोचे, क्योंकि ज्यादा सोचने से भी परेशानी होती है। तो अब दो बातें सामने आ गई, एक पीरियोडिक सिस्टम की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से रिलेशन। एक क्लोजिंग स्टॉक की पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन। एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर कम होना है तो प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है? ये डिस्कशन नोट करनी है कर लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उधर ही रखते हैं मैं, हो गया नोट? अच्छा, एडजस्टमेंट अगर आपकी ज्यादा हो तो पढ़ लें आप। अच्छा जी, 1 मिनट, जिन्होंने नहीं अभी पढ़नी वो ना पढ़ें, बाकी बच्चे एडजस्टमेंट 3 को पढ़ें, और पढ़ के ना साथ में ना नीचे वाली लाइन भी पढ़ें, टीई यूजेस पीरियोडिक सिस्टम, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वो एंट्री करते होंगे, ठीक है ना? तो एडजस्टमेंट 3 पढ़ें, ओरिजिनल एंट्री लिखें, रॉन्ग एंट्री लिखें और रेक्टिफाइंग एंट्री लिखें, जल्दी करें, खुद से करें ये काम। बस आगे कोई नहीं है इतना मसला, इधर इन्वेंटरी की रिवीजन ने टाइम ले लिया थोड़ा सा, ठीक है भाई? ये पिक्चर लेके भेज देना पीए को ग्रुप में, जब भी कुछ मिटाने लगूँ उससे पहले, अभी तो कुछ नहीं मिटा रहा, कुछ भी मिटाने लगूँ तो उससे पहले पिक्चर ले लेनी है आपने मुझे रोक के, कोई एक बच्चा, ठीक है ना? ओके, द सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट, फिजिकल काउंट के अंदर स्टॉक शीट्स बनती हैं, जाकर फिजिकली काउंट करके चीज़ों को लिख लिया जाता है और उनका टोटल करके उनको फाइफो एफको से मल्टीप्लाई करके, कोई भी रेट से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल ली जाती है, ठीक है ना? तो क्लोजिंग स्टॉक की जो शीट्स थी उनमें सब टोटल, क्या मतलब? कोई एक शीट पे तो होता नहीं है क्लोजिंग स्टॉक सारे का सारा, तो 5-7-10 शीटें बनी हुई हैं मिसाल के तौर पर, ये भी मिसाल समझानी पड़ेगी, याद है माजी? एक शीट है स्टॉक शीट नंबर 1, उसके ऊपर ऐसे आइटम लिखे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये चीज़ें पड़ी हैं, और टोटल जो है उसका 1,000 रुपया है मिसाल के तौर पे। ऐसे ही फिर दूसरा सफ़ा ओपन होगा, ठीक है जी, दूसरे सफ़े के ऊपर भी ऐसे ही चीज़ें आती जा रही हैं और उनका टोटल आ रहा है मिसाल के तौर पे 2500, ठीक है जी, टोटल ओके। ऐसे ही तीसरी शीट है और तीसरी शीट पे भी ऐसे ही आइटम्स आ रहे हैं, अपने सवाल वाली फिगर बना ले, इसका टोटल था 21380, ठीक है जी। असल में अब ये शीटें जो होती हैं, ये 5, 10, 15, 20 शीटें होती हैं, तो ऐसे नहीं होता कि हर बंदा, अब मतलब सेठ साहब के पास जाओ, ओके स्टॉक की रिपोर्ट लाओ, आप उसके सामने ऐसे पलंदा पूरा रखें 50 सफ़ों का, कहीं ये स्टॉक की डिटेल है, वो कहेगा ठीक है डिटेल उठाओ और जाओ, मुझे डिटेल है, समरी बताओ भाई, समरी बताओ। तो फिर एक इन तीनों के ऐड करने के, इन तीनों को ऐड करके एक समरी के ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है ना? एक सामने फ्रंट पे पेज लगता है जिसमें समरी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट्स या स्टॉक लिख दिया जाता है, ठीक है? उसमें यूँ लिखा जाता है, शीट 1 का 1000, शीट 2 का 2500, शीट 3 का 21830। यही तो गलती हुई है, अब पढ़ो जरा। सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 21830 इंस्टेड ऑफ 21380। ये होना चाहिए था ओरिजिनल, ये हुआ पड़ा है रॉन्ग, ठीक है ना? यानी सही क्या स्टॉक था 21380,
ये इधर लेकर जाते तो 21380 ही होता, लेकिन यहां पर हो गया ये ज्यादा, गलती से क्या हो गया ज्यादा। देखो ना 380 रिकॉर्ड होना था, 830 हो गया, तो ज्यादा हो गया ना, 21 कॉमन है, मैंने साइड पे कर दिया समझाने के लिए। अब जो यहां पर टोटल होगा स्टॉक का, जो भी होना है, जो भी ठीक है, वो जितना भी है, अब चलो बता दो, हमारी एग्जांपल तो मानी गई है, मेरे चांद ये बताओ, अब तीन लिख दिए मैंने 450, ऐसे एग्जांपल है सब, ये दोनों अज्यूम है 2530। अब इधर देखो, क्योंकि एक फिगर 380 की बजाय यहां 830 रिकॉर्ड हुई, तो ये बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, और इस फिगर की ही तो हम एंट्री करते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी हमने एंट्री करनी थी, ठीक है। अब इसकी एंट्री जो थी, ये इस फिगर की एंट्री हुई है, और एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की होती क्या, अभी सिखा गया, बोलो बोलो बोलो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कितने से 25,330। ऐसे ही मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसे करना नहीं है, अच्छा ऐसे ज्यूम करते रहो, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ये तो गड़बड़ हो गई है, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लो 830, 450 से ये फिगर बढ़ गई, 450 से ये फिगर, तो ये भी 450 से बढ़ गया, यानी अगर ओरिजिनल की बात करें, बात बहुत फैला दी मैंने खाम खा, ठीक है ना, ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनल यहां पर कितना आना चाहिए था 21380, तो ये टोटल भी कितना आना चाहिए था 24, तो एंट्री होती 24880 से, ठीक है ना। चलो अब बात फैल ही गई है तो बाद में समेट लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, असल में तो यहां पर होती फिगर 21380, तो ये टोटल आता 24880, तो ये एंट्री होती 24880 से, ठीक है ना, ये बात समझ आई है। ये सब अज्यूम्ड डाटा है सिवाय एक फिगर के, ये मैंने अज्यूम किया ऐसे ही, ठीक है। तो एंट्री होनी चाहिए थी 24 से, हो गई 25 से, कितने से ज्यादा हो गई है 450 से, तो 450 को क्या कर देंगे रिवर्स। ये तो है सारी कहानी, ठीक है ना। अब ये सारी कहानी आपको पता नहीं थी, ये सारी कहानी आपको पता, आपको ये सब अज्यूम्ड फिगर का पता नहीं है, इसलिए आपको इन सब बातों का पता भी नहीं है, ठीक है ना। ये सब वैसे मैंने अज्यूम किया था, ये सब अज्यूम किया हुआ था, ठीक है और सही है ना। अब हमारे पास तो सिर्फ इतना डाटा है, जितना भी था क्लोजिंग, उसमें एक ऐसा है जो 450 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, बात समझ रहे हो ना। तो जब वो 450 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, तो इस टोटल की फिगर जो यहां पर आनी थी क्लोजिंग स्टॉक की, ये 450 से ज्यादा रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। यानी होना चाहिए था, अब अपनी एडजस्टमेंट पे ले आते हैं, ये देखो होना चाहिए था 21380, मैं सिर्फ एक पे लिया, बाकी चीजों को मुझे पता नहीं था, लेकिन बात समझाने के लिए मुझे बहुत फैलाना पड़ी, बात समझ आ गई अब, ठीक है। एक चीज थी, एक स्टॉक शीट थी, उसका टोटल आना चाहिए था 21380। अब बाकी स्टॉक भी है भाई, लेकिन मैं सिर्फ उस एडजस्टमेंट पे आ गया जो जिसका फर्क है, क्योंकि बाकी तो सब सही है, फर्क तो सिर्फ इसी का है, ठीक है ना। तो होना चाहिए था, ये हो गया, समझ गया बात। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, हाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक 21 से 380 से डेबिट होना था, हो गया 830 से, तो सही करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे कितने से 450 से, और कॉस्ट ऑफ सेल कितने से 450। अब देखो जब भी क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट आए, असल कहानी तो ये है, ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला आ जाएगा। वो मसला क्या है, हमने प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेना है, बात समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना। ये सारा कंक्लूजन ड्रॉ करके मैं आपको एक नतीजे पे ला रहा हूं जो हम किया करेंगे, ठीक है। गलती कर बैठोगे क्या, कहोगे कॉस्ट ऑफ सेल जीपी से ऊपर है, कॉस्ट ऑफ सेल 450 से बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो 450 से आप जीपी को कम कर लोगे। फिर इधर आओगे, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है, तो जीपी को बोलो बोलो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट भी कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, तो जीपी को फिर कम कर लोगे, तो जीपी को आप 900 से कम कर लोगे, ये गलती हो जाएगी आपसे, बात समझ रहे हो। नहीं एक दफा क्यों याद कराऊं, हम काम ही वो कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सारा दे दिया, असल कहानी ऐसे ही है, असल कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये 450 का इंपैक्ट एक बार ही लेना ना जीपी पे, तो बोलो असल में तो हुआ क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, बात समझ रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक के कम करने सही करते हुए कम किया ना, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या किया कम, तो कम होने से ये कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है। अब आप कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना जीपी पे 450 डालो, और क्लोजिंग स्टॉक कम होना भी जीपी पे 450 डालो, तो ये तो 900 का इंपैक्ट पड़ गया, बात समझ रहे हो। इसलिए जब भी कभी अब रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आएगी, तो हमने ये सारा काम नहीं करना,
और हम अपने इस रूल की तरफ जाएंगे, सिंपल कर लेंगे जिंदगी को, सिंपल करेंगे। एक तो सिंपल बहुत हो जाएगी, इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। देखो भाई, कोई भी उसूल बनाना हो ना तो सारी बात बतानी तो पड़ती है, ठीक है। मैं क्लास के स्टार्ट में इस स्टार्ट नहीं कर रहा था, ओ भाई बस क्लोजिंग स्टॉक को देख लो, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो इंपैक्ट पता है, प्रॉफिट को बढ़ा लो, क्लोजिंग स्टॉक कम कर रहे हो रेक्टिफिकेशन में तो जीपी को कम कर लो, कहानी खत्म। आधे बच्चे सोच रहे होते यार क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ यार, पीरियडिक याद आ रहा है कुछ को क्या याद आ रहा है। अब सुकून हो जाएगा कि सब कुछ किया हमने, असल तो ये काम होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक डर क्या है कि डबल ना कर जाओ तेजी में, और दूसरा डर क्या है, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। तो भाई उसूल अब क्या बन गया, उसूल क्या बन गया, ये काम सिखाया इसलिए जरा एक बार समझ आ जाए, ठीक है ना। अब उसूल क्या बन गया, ये सारा काम नहीं करना, ये सारा काम थर्ड एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक रेक्टिफिकेशन के अंदर सिर्फ इतना देखो, क्लोजिंग स्टॉक 380 का आना था, 830 का आ गया, तो सही करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को इधर देखो, देखो क्लोजिंग स्टॉक को कितने से 450 से जब क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे, कौन सा प्रॉफिट, जीपी बढ़ जाएगा, नहीं डायरेक्ट रिलेशन, कहानी खत्म। ये इतना सा काम सिर्फ करेंगे भाई, बात समझ आई है। ये सारी बात सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, क्योंकि इन्वेंटरी का टॉपिक इंट्रो में पढ़ा था और करेक्शन उसने फिर डाल दिया एफआर 1 में। इंट्रो के अंदर ये बात करते हैं ना तो मैं कहता यार वो सारा काम होता है, ठीक है, दुबानी कहता, लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने कर लेना, लेकिन चूंकि एफआर 1 के अंदर वो पुरानी हो गई थी बात, तो पहले सारी बात रिवाइज कराई फिर आपको एंट्री करके दिखाई, और ये बिल्कुल सही है। इसमें दो चीजों का मसला है, एक इंपैक्ट डबल ना ले जाओ, हालांकि असल साइंस क्या है, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक काउंट करके एंट्री करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक सही करते हुए कम किया हमने, ये गलती को सही करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है और प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक के कम करने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, ये तो एक ही इंपैक्ट है। अब आओ गलती से क्या कर जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है जीपी को कम कर लो, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है जीपी को कम कर लो, तो दो दफा आप प्रॉफिट को कम कर जाओगे, तो ये गलती ना कर पड़े। वैसे जितनी मैंने बात कर दी गलती नहीं होनी, समझ गए, इंपैक्ट एक आना है, लेकिन फिर दूसरा मसला भी तो है, इतना टाइम लगे, ओरिजिनल लिखें, रॉन्ग लिखें, रेक्टिफाइंग लिखें, अल्टीमेटली काम तो वही हो रहा है। देखो 450 से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है, कंक्लूड क्या किया हमने, इंपैक्ट कोई एक लेना है, आप कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा लो, जीपी ने कम होना है, बोलो कम होना कितने से 450, दूसरा इंपैक्ट नहीं लेना, वही काम तो कर दिया हमने। तो इतनी ज्यादा टेंशन के बाद अल्टीमेटली जब ये काम से काम चल रहा है, तो अब उसूल क्या बन गया, आगे सेट में भी ऐसे ही करेंगे, जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट लेना होगा प्रॉफिट पे, तो हम ये एंट्रीज वाला काम नहीं करेंगे। इज इट कंक्लूडेड नाउ, अपने पास लिख लो, जब भी कभी असल काम भी सीख लिया हमने, कोई कहे ना करके दिखाओ एंट्रीज भी करके दिखा देंगे फरमाइश के ऊपर, एंट्रीज ही है भाई देख लो, लेकिन हम पागल थोड़े हैं। आपको सर आप पागल थोड़े, आधे घंटे से लगे हुए, और भाई ये उसूल बनाने के लिए आपकी तसल्ली भी जरूरी थी ना। अब पर्चे में आप न डर होके बेदरेग क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट डायरेक्ट लेंगे, आप कहेंगे छोड़ो एंट्रियां सब करके देखा था, अल्टीमेटली यही बात निकलती है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब यही बात निकलनी है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट थी, ये बस, ठीक है। हाँ, जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट प्रॉफिट पे देखना हो, तो हम ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री से नहीं देखेंगे, बल्कि डायरेक्ट सोचा करेंगे, और फिर ये लिखा हुआ काम काट दिया, उसके साथ ये लिखा, कहानी गर्म। जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट, ये रेक्टिफिकेशन के टॉपिक की बात कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट प्रॉफिट पे देखना होगा, तो हम ORW पूरा ना लिखना, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ठीक है। तो हम ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री से इसको नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट इसका इंपैक्ट सोचेंगे रूल को देखते हुए, रूल 3 हमने लिखा हुआ, रूल 3, ठीक है, ओके। अब मैं सुकून से मर सकता हूं इसके बाद, जी बोलो। क्लोजिंग स्टॉक 450 से, अब इतना तो देख लो, होना क्या चाहिए था 381 कॉमन साइड पर रख दो, जरा इजीली समझ आ जाती है। अब पर्चे में ना सिर्फ 1 मिनट का काम रह गया, ठीक है ना, तो पर्चे में वक्त बचाना है, क्लास में नहीं बचाना है, क्लास में समझना है सब कुछ, ठीक है। 21 कॉमन है छोड़ो, 380 होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक, गलती से 830 हो गया। अब सही करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को कितने से डिफरेंस लो, क्लोजिंग स्टॉक हुआ कम तो डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट भी होगा कम, और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा जीपी से ऊपर की कहानी है, तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ कम तो जीपी भी हो जाएगा कम, एंड गो एडजस्टमेंट नंबर 3, ठीक है जी। कितने थे, 0.45 लेस, बस कहानी खत्म, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक ओवरसेट हो गया था, ऐसे ही है, उसको हमने सही कर लिया, ठीक है। लेकिन मत लिखो अंग्रेजियां, काम सुकून में चल ही रहा है। तो कितने बच्चों को आप समझ आ गई सारी बात, कितनों को अभी भी समझ नहीं आई, बैठे नहीं समझ आया कुछ,
डर के पूछ लो, वैसे मेरे को कह ही ना दे, फिर ना समझाना पै जाए ना। अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा, पूछ ना लेना। चले ओके जी, नाउ हार्ड टाइम्स आर ओवर, नंबर फोर पे आ जाएगा, जल्दी करें, ये सवाल ही खत्म हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा इधर देखें, कमाल देखें, सकाया इलेक्ट्रॉनिक्स ना मुझे नहीं लग रहा, खैर देख लेंगे, कोई बात होगी तो ठीक है। वैसे आगे स्पीड तेज जानी है, अब कुछ नहीं आगे, सुकून है। अगर डिस्काउंट याद है, अगर डिस्काउंट भी नहीं याद तो उसको रिवाइज कराते थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके चले आगे, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। चल मैंने ना ये थोड़ी देर में मिटाना है, इसलिए एक पिक्चर इसकी ना बना लो भाई, यहां तक एक पिक्चर बना लो, फिर कुछ चीजें मिट जानी है ताकि वो मेरे पास आ जाए। अगली क्लास में नहीं इतना सोचा जाता भाई, आप ही क्लास का सोचा हुआ बस वहां पर जाके बंदा हाँ छापा और क्या। देखो ना नया तजर्बा है ना, FAR 1 में करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक पढ़ाना, ये नया तजर्बा है, उससे पहले इंट्रो में होता था। और मजे की बात है, इंट्रो में हर टॉपिक पढ़ के यहां पे आके करते थे काम। हमने फिक्स एसेट डिडक्शन पढ़ा होता था, हमने अक्रूअल पढ़ा होता था, हमने बैड ऑफ डेट पढ़ा होता था, इन्वेंट्री पढ़ा होता था, सब कुछ पढ़ के यहां पे आते थे तो सुकून होता था। ओरिजिनल आता था, रॉन्ग देखते थे रेक्टिफिकेशन कर देते थे। अभी थोड़ी जो चीजें भूली हुई हैं वो ऐसे याद करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा मेरा जोर ज्यादा लग रहा है, आप लोग तो यशी मारे, वेव्स करें किल, और आपको बहुत फायदा हुआ इंट्रो पढ़ने का ये भी सोचते रहे साथ साथ कि थोड़ी सी बात रिवाइज करने से आपको बातें याद आ गई। ना पढ़ी होती इंट्रो तो बताओ ये परपेचुअल वाली बात समझ आनी थी, पता नहीं वो कब, मैं तो समझ नहीं आ रही, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है सिलेबस आगे मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे खत्म होगा इंट्रो वाला सार वाला। चले छोड़े उसको, छोड़े वो मेरा मसला, आपका मसला नहीं, आप तो इंशाल्लाह हो जाएंगे फारे 30-35 तक मुझे उम्मीद है। इधर देखें भाई, एडजस्टमेंट 4, आ रिसीट ऑफ 21,850 वॉज क्रेडिटेड टू सेल। अच्छा जी, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 23,000। कुछ कुछ याद आया, कुछ कुछ 23,000 की सेल की होगी उधार पे, तो एंट्री की होगी उस वक्त डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन जब वो पैसे नहीं दे रहा होगा तो हमने कहा होगा यार एक काम कर तू 21,850 दे दे बाकी तुझे माफ, तो बाकी का क्या होता था फिर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो दसर इज आउट, कोशिश करते हैं कि इसी को जरूर मिटाएं। हाँ भाई, डिस्काउंट जब भी आया करता था ना, BRS के टॉपिक से शुरू हुआ था, एक डेढ़ लेक्चर आपके उस्ताद ने लगाया होगा उसके बाद फिर आपने देखा था ये मुसीबत हर जगह ही घुसा होता था, हर टॉपिक में घुस जाता था, तो इसलिए आपकी बड़ी प्रैक्टिस है। जस्ट एक बार मैं यहां पे लिखूंगा आपको इंशाल्लाह सब याद आएगा, देखना देखना। डेटर से ग्रॉस रिसीवेबल क्या था, जब हमने सेल की तो 23 की होगी ना, तभी तो 23 रिसीवेबल था, लेकिन नेट रिसीव कितना कर रहे हो, नेट रिसीव्ड 21,800। ये देखो, पढ़ के देखो, आ रिसीट ऑफ 21,850, तो रिसीट हुई है 21,850, पैसे कितने आए 21,850। ठीक है, अब सवाल में उसने क्या कहा, देखो वॉज क्रेडिट ना, ये रॉन्ग एंट्री, ये बाद में देखते हैं, ठीक है पहले ओरिजिनल तो कर लें। ओके, ये ब्रैकेट को फिलहाल साइड पर रखो, ये रॉन्ग है। द अमाउंट वॉज रिसीव, यानी द अमाउंट मतलब 21,850 वॉज रिसीव फ्रॉम अ डेटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ, यानी ये 23 का बैलेंस था, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसकी हो गई 21,850 में, यानी 23 वाले डेटर ने हमें कितने दिए 21,850। भागा नहीं है, नजर आ रहा है कि हमने रिसीव किए पैसे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हमने किया, मतलब ये डिस्काउंट होता है। अच्छा अल्टीमेटली है तो एक्सपेंस ही, बहरहाल बहरहाल, लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, 1,150 आपने उसको कर दिया माफ, तो ये क्या है जी, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बना करती थी, इसकी एंट्री होती थी, इसकी एंट्री होती थी कैश या बैंक डेबिट 21,850, यही है ना रिसीट का मतलब। अब डेटर डेटर कितने का था, अब ये तो नहीं करोगे ना आप 21,850 को जी ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कल को, नहीं 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 तुम्हारे कुछ रहते हैं नहीं, हमने कहा 23,000 का डेटर अब खत्म, 23,000 का डेटर अब खत्म, उसने दिए 21,850, तो बाकी 1,150 फिर आपका, देखो ना इधर देखो, 23 आने थे 21 आए, नफा या नुकसान, नुकसान हुआ, 23 आने थे, जिस बंदे ने 23 देने थे उसने सिर्फ 21 दिए, तो ये हमारा खर्चा हो गया ना भाई, तो इस खर्चे को कहा जाता है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करता है। ठीक है जी, तो
कुछ याद आया डिस्काउंट? ये है ओरिजिनल एंट्री, होना तो ये चाहिए था। क्या हुआ भाई? जरा पिछली एंट्री ना दिमाग में सिर्फ करो, वो कर नहीं रहा मैं। अब बिल्कुल ही बचपन में चले जाएंगे। जब सेल की होगी हमने तो 23,000 की सेल उधार पे की होगी ना, सो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हुआ होगा 23,000 से, ठीक है। अब जब पैसे देने की बारी आई तो 23 वाले ने 21,850 ही दिया बस, तो फिर 1,150 डिस्काउंट, ठीक है। अब ये होना चाहिए जब इस किस्म की सिचुएशन आए ना कि 23 वाला 21 देकर जाए तो ये एंट्री बनती है, ये समझते हो? अब उसने क्या किया, चेक करो बाइक का काम, चेक करो, लगता है इंटर एग्जाम थी इसकी बाइक की। रिसीट ऑफ 21,850 वॉज क्रेडिटेड टू, कमाल करते हो भाई, जान ही निकाल दी तुमने तो सारे कॉन्सेप्ट की। कैश या बैंक डेबिट तो सही हो गया ना, सेल्स क्रेडिट, हाँ हाँ ओरिजिनल द्वारा लिख दिया, ओके जिस बात की बहुत होगा। 21,850 स्टार जरा हटना, 21,850 सीट कह ली थी ना, अब बोलो नहीं दोबारा बोल। ये थर्ड एडजस्टमेंट है, उसका जो करना था वो कर लिया हमने। अच्छा अब भाई सही है, देखो एक असूल शायद आपको भूल रहा हो रेक्टिफिकेशन का, कि जिस एंड के बारे में सवाल खामोश हो वो हमेशा सही होता है, रॉन्ग एंट्री में जिस इम्पैक्ट के बारे में सवाल खामोश हो वो हमेशा सही होता है। याद आ रही हैं बातें? तो कैश आप कहोगे जी कैश कैसे आपने डेबिट कर दिया, पहली बात है कैश की गलती अकाउंटेंट करता नहीं है, नॉर्मली करता ही नहीं है, क्योंकि कैश आया डेबिट गया क्रेडिट, तो उसको समझ, जिसकी इंट्रो एग्जाम उसको ये तो पता ही है, पहली दो चार क्लास में तो बैठा था फिर एग्जामिनेशन का रोला पड़ा था, उसको ये पता है कैश आया तो डेबिट जाए तो क्रेडिट, बस। तो कैश की गलती नॉर्मली वो करता भी नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा असूल क्या है, रॉन्ग एंट्री में उसने कहा वॉज क्रेडिटेड टू सेल, यानी कि डेटर क्रेडिट करने के बजाय कर दिया सेल। असल में ना ये एंट्री तोड़ के करो तो क्या बनता है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 21,850, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट 1,150, तोड़ के करें तो मैंने कंबाइन की हुई है। तो उसने करना था कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कर गया कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अब आप कहोगे जी सर उसने तो कहा सिर्फ सेल के बारे में क्रेडिट हुआ है, डेटर ये कैश डेबिट का तो बताया ही नहीं। तो ये ना कहना कैश गलती अकाउंटेंट नहीं करता, कभी कर भी तो सकता है। ज्यादा बड़ा उसूल क्या है हमारे रेक्टिफिकेशन के टॉपिक का, रॉन्ग एंट्री के जिस इंपैक्ट के बारे में सवाल खामोश हो उसे सही अज्यूम करना है। ओके क्लियर, सही है, चलें आगे। तो फिर रेक्टिफिकेशन करवा दो भाई, कैश डेबिट होना था, हम तो तरतीब से चलेंगे बचपन में जैसे जैसे, ठीक है। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो, कुछ ना करो। डिस्काउंट डेबिट होना था, नहीं करो डेबिट, डिस्क ऑल एक्स प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइटम आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, नंबर आ गए। ये नंबर है ना भाई, जीपी को एनपी को हिट करने वाली को फिगर मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, वाह वाह सुभानअल्लाह फिगर मिल गई, नंबर मिलेंगे, ठीक है। डिस्काउंट लोड एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ कर दिया। डेटर क्रेडिट होना था 23,000 से, नहीं हुआ कर दो। हाँ हाँ कितने से, क्या मतलब किसने कहा? देखो 1,150 से क्या, बाकी 21,850 से क्या डेटर क्रेडिट हुआ? यही तो कमाल की बात है, रॉन्ग एंट्री में कह रहा है वॉज क्रेडिट टू सेल, ये लिखा था ना वॉज क्रेडिट टू डेटर, तो फिर आपकी बात सही थी, ठीक है। तोड़ के एंट्री करनी है तोड़ के कर लो, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट होना था, कैश डेबिट सेल क्रेडिट हो गया, तो पहले तो इसको सही करेंगे, ठीक है। हाँ डेटर को क्रेडिट करेंगे और सेल गलत क्रेडिट हुई उसको डेबिट करेंगे, लेकिन मैंने कंबाइन कर दी थी एंट्री, डेटर 23,000 और सेल गलत क्रेडिट हुई पड़ी है डेबिट कर दो 21,800, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम तो मेरे को सरोकार है नहीं, हम तो इस वक्त जो है वो शिकारी बने हुए हैं जिस फिगर पे भी प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट आए उसके लिए, ठीक है। तो हमें शिकार मिला और उस शिकार ने कहा सेल्स और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। अब ये दोनों शिकार ना अलग अलग हंडिया में पकाने हैं, ठीक है। सेल ने हिट करना है सिर्फ जीपी को, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट करना है, लेकिन वो हम साफ कर ही नहीं रहे, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस ने सिर्फ नेट प्रॉफिट वेट करना है जीपी को हिट, तो दोनों को बाद पहले डिस्काउंट अलाउड ले लो। हाँ भाई एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट नहीं नहीं तरतीब से, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट मतलब बढ़ा एक्सपेंस का डेबिट, रेक्टिफाइंग एंट्री देखेंगे हमने जो गलती सही की उसका इंपैक्ट, ये हमने किया ना, ये होना था ये हुआ पड़ा है, हमने किया है इसका इंपैक्ट बताना है प्रॉफिट पे। तो हमने डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को बढ़ाया, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, लेकिन डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस इधर आता है तो फिर सिर्फ नेट प्रॉफिट को हिट करेगा, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट एडजस्टमेंट नंबर 4 पे ही पहुंचे हैं अभी। अच्छा जी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस काफी है, बस इतना भी लिख देना, वैसे तो इतना भी लिख देना काफी था, कितना भाई 1.1 हाँ एग्जैक्ट बताओ वरना बाद में ऐसी ना हो मैच ना हो। ये क्या करो जी लेस, सही है जी, वाह वाह नंबर मिले, सही कह रहे हो। उसके बाद शिकारी आया और दूसरा शिकार किया सेल्स डेबिट, सेल्स इनकम डेबिट कम, डेबिट कम, इनकम क्या हो रही है कम,
गलत इनकम रिकॉर्ड की ना, सेल गलत रिकॉर्ड की, तो रिवर्स कर रहे हैं तो इनकम कम ही कर रहे हैं ना, तो इनकम को किया कम तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर इनकम कम हो रही है तो प्रॉफिट भी कम ही होगा, तो लेस। एडजस्टमेंट नंबर 4, सेल रिवर्स, आपके लिए लिखा पर्चे में इतना काफी है, बार बार कह रहा हूं फिर भी आप लोग पर्चे में लिख के आएंगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं कभी कभी दिल करता है ना ही लिखा करूं। बार 21.85 सही है, गोइंग वेल, चले नंबर फाइव एडजस्टमेंट नंबर 5, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 थी, बल्कि ये यहां से ही शुरू हो गई थी एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक है ना, वो 3 जो है ना 3, वो हमने डायरेक्ट कर लिया था, क्या किया था हमने, क्लोजिंग स्टॉक को 450 से कम किया था तो जीपी बढ़ गया था, बस सॉरी यार ये मैं भूल के कह गया, ये मैं आपको चेक नहीं कर रहा, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा जी लो भाई अगली एडजस्टमेंट पढ़ो भाई, आ जाओ भाई फाइव वाले गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 45 वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर्स, रुक जाओ पहले तो ये बताओ गुड्स का मतलब होता है फॉर सेलिंग पर्पज, मतलब हमारी हार्डवेयर की दुकान है, ठीक है, और हमें अपनी ही दुकान में एक एसी खराब हुआ, उसके लिए कुछ जो है वो सामान चाहिए था, साथ वाली दुकान से लेंगे या खुद अपने से उठा लेंगे, साथ वाली से लेंगे भाई साहब, कुछ पागल लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी दुकान से ही अपना सामान उठा लेंगे, अगर उनको अपने बिजनेस के अंदर कोई चीज़ जरूरत हो और वो उनके स्टॉक में पड़ी हो जो बाहर लोगों को बेचते हैं तो वही उठा के अपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई अपना इन्वेंट्री का आइटम, आप जैसे पंखे बेचने वाली कंपनी अपने दफ्तर में लगाने के लिए अपनी इन्वेंट्री से उठाकर दफ्तर में लगा सकती है, साथ वालों से नहीं लेते जाते हैं, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता कि आप रॉयल फैन की दुकान खोल के बैठे और लगे पाक फैन हो, मुनासिब नहीं लगता, वरना आने वाला भी क्या कहेगा, इन्हें आप ही पाक फैन लाया मैं भी उधर ही जाना हूँ, मतलब किससे काम देने ये थे पक्के, ठीक है ना, तो भाई गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 45, सेल वैल्यू से पता लगा कि ये ऑन सेल थी ना, ठीक है, ये स्टॉक में पड़ी थी, वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर्स, इनको अपने दफ्तर की रिपेयर में हमने यूज कर लिया, तो भाई रिपेयर की एंट्री होती है वैसे तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और बाहर से खरीदें तो उसको देते हैं कैश, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हमारा इन्वेंट्री के अंदर ये आइटम पड़ा था, ठीक है, तो हमने इन्वेंट्री को करना है क्रेडिट, ठीक है, बल्कि आप यूं कहें इन्वेंट्री का लेजर नहीं बन रहा, आसान करें बात को, परचेज को याद करें, ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स होती थी तो हम एंट्री कहते थे ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट होती थी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स अगर तो हम कहते थे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, कोई चैरिटी कर दें अगर आप अल्लाह के नाम पे कोई गुड्स दे दें तो वो चैरिटी दुनिया में एक्सपेंस है आखिरत में एसेट होता है, तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, तो गुड्स अपने यूज में ले जाएं, गुड्स बिजनेस निकाल के किसी को अल्लाह वास्ते दे दे, गुड्स निकाल के एडवर्टीजमेंट मुफ्त में किसी को बांट दें मशहूरी के लिए, ये सारी चीजों के अंदर परचेज ने क्रेडिट होना होता है, रेलेवेंट हेड ने डेबिट होना होता है, ठीक है, तो ड्राइंग डेबिट नहीं हुई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ, आज क्या हो गया रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, लेकिन इसका भी इंपैक्ट दूसरा कहां पड़ना है परचेजेस में, ठीक है, सही है, तो एडजस्टमेंट नंबर, लो जी ऐसा बोर्ड जाना कम पड़ने लग गया, लेकिन अब एडजस्टमेंट छोटी छोटी हो जाएंगी, जैसे इसमें अब क्या और मजीद बात करनी, नंबर 5 ओरिजिनल, हाँ जी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश नहीं परचेजेस क्रेडिट, देखो जैसे यहां पर मैं लिखना चाहूं अगर तो मैं यूं स्लैश डाल के लिख सकता हूं, ड्राइंग्स में भी ऐसे ही होता था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो तो ऐसे होगा अगर मुफ्त में किसी को चीजें बांटी हैं तो, चैरिटी किसी को दे दी है अल्लाह के नाम पर तो सब एंट्रीज में क्या होगा वो रेलिवेंट हेड डेबिट होगा, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, या आज वाला सिचुएशन आ जाएगा रिपेयर एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिस एंट्री विल ऑलवेज बी पास्ड विद कॉस्ट, खुद को चीज प्रॉफिट पे नहीं बेच देनी और खुद से प्रॉफिट कमाई जाए, बेवकूफ हो, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी है, और भाई साहब इधर तवज्जो दो, दिस एंट्री विल ऑलवेज बी पास्ड विद कॉस्ट, कुछ कुछ याद आ रही है बात, इंशाल्लाह याद तो करा ही लेनी है मैंने, अल्लाह ने चाहा तो, इसलिए बोला अल्लाह ने चाहा तो विद कॉस्ट, अब भाई ये समझ आ गया, मैंने बड़ी अहम बात कर दी आगे, अगर यही ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स होती तो एंट्री बन जाती ड्राइंग्स डेबिट परचेज कर, यही कहता वो जी हमने मुफ्त में सैंपल बांट दिए हैं कुछ को, वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, वो कहता जी अल्लाह के नाम पे डोनेट कर दिए चैरिटी कर दिए कुछ गुड्स ही उठाकर दे दिए तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन फिलहाल तो हमारे सवाल के अंदर क्या है रिपेयर एक्सपेंस, अब
मसला ये नहीं है कि हमें एंट्री समझ नहीं आ रही, मसला ये है कि 4500 है सेल वैल्यू। लेकिन 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 कहीं पे उसने बताया हुआ है, वाह वाह गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 25%। अब वो मार्कअप मार्जिन भी हमें याद आ रहा होगा, नहीं आएगा तो उसकी रिवीजन भी इंशाल्लाह करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। फिलहाल तो इतनी सी बात याद कर लेते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल हम बना लिया करते थे, और इसकी मैं रिवीजन करा दूंगा, टेंशन ना लो, मार्कअप मार्जिन की रिवीजन करेंगे, ठीक है, बल्कि कल ही करेंगे, आज सिर्फ मेरी मान लो। वैसे याद तो इंशाल्लाह आ ही जाना है इतनी बात से भी, लेकिन फिर भी याद आना एक चीज है और महारत आना एक चीज है। तो हम महारत लाने के लिए को 8-10 सवाल वही वाले जो मैं इंट्रो में करवाता था और वहां कहता था ये FAR1 से उठा के लाया हूं, वो आज FAR1 में करेंगे। वो अलग बात है कि पहले सिंगल एंट्री के लिए वो रिवीजन करते थे, आज भी करनी तो पड़ेगी ही क्योंकि इस टॉपिक में ही आगे कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल होते ही रहने, ठीक है। तो वी विल रिवाइज मार्कअप मार्जिन इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो, अल्लाह करे मुझे अब याद है, ओके, क्योंकि वो हैंड आउट, वरना हैंड आउट तो पड़ा ही है पिछले वाला जी। अब अगर प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है कॉस्ट से, कॉस्ट प्लस 25, अगर ये कल रिवीजन करेंगे, फिलहाल लिख लो, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है कॉस्ट से तो कॉस्ट को लोगे 100, प्रॉफिट कितना है तो ये बन जाएगा 120। अब ये हमारी इक्वेशन है, और अगली बात है हमारा फॉर्मूला, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड। ये फॉर्मूला कहीं रिवाइज किया इस दफा हमने अभी तक? कर लिया है, ये तो कर ही लिया है, ये तो शायद 2-3 बार कहीं किया हो, नहीं किया ना तो कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम ये, वैसे कल रिवीजन कर दी हमने मार्कअप मार्जिन की, सबसे पहला काम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाते हुए क्या रिवाइज हो जाए मार्कअप मार्जिन से, इक्वेशन बनाते हुए क्या करना है, जिसके साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिंक्ड हो उसे 100 अज्यूम कर लेना है। हमारे सवाल में कॉस्ट प्लस लिखा हुआ उसने, तो कॉस्ट को 100 अज्यूम किया, प्रॉफिट ऐड किया, 125 सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। सेकंड काम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला क्या होता था जी, रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमें चाहिए, बोलो, हम करते थे उसको गिवन अमाउंट को डिवाइड करते थे गिवन की परसेंटेज से और मल्टीप्लाई करते थे रिक्वायर्ड की परसेंटेज से। कुछ कुछ याद आए, फॉर्मूला तो याद ही होगा, ये फॉर्मूला हमने वैसे यूज किया है मुझे लग रहा है, ये बदतमीज आदमी IAS बोरिंग कॉस्ट में किया था भाई, नहीं किया था तो अब हो गया, यही था ना फॉर्मूला, ये इंट्रो वाला फॉर्मूला यही था ना, इंट्रो का फॉर्मूला यही था ना, अब याद हो गया, अब इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे मजीद याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे बताओ हमें चाहिए क्या, किधर गया ये, कितना है जी सेलिंग प्राइस, कितनी है सेलिंग प्राइस, कितनी बताई उसने 4500, ये सेल वैल्यू पे पड़ा है, ये किस पे पड़ा है जी, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज 125 इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज 100, क्या आता है 3.6 कर लो, ठीक है जी, 3.6 से, इधर देखो, 3.6 से रिपेयर डेबिट परचेज क्रेडिट करना था, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है शुक्र है कुछ नहीं किया, वरना सही भी करना पड़ता, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, कुछ नहीं हुआ, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गई, ये जो करना था नहीं किया, कर लो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट 3.6। अब इसमें दोनों पे इंपैक्ट है, रिपेयर एक्सपेंस में जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन आफ्टर GP, और परचेजेस ने भी जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन बिफोर GP, ठीक है, साथ ही हो ना मेरे, सारों को समझ आ रही है बेटा, समझ आ रही है कुछ थोड़ी थोड़ी, ये सारी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है एक्सपेंस, ये रिपेयर एक्सपेंस GP के बाद, यानी कि नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़े तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम, तो लेस, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी आ गई है जी, रिपेयर एक्सपेंस 3.6, ठीक है जी, डन। दूसरी तरफ कहते क्या, ये परचेजेस क्या हो रही है, कम, परचेजेस भी क्या है एक्सपेंस, लेकिन जीपी से ऊपर की कहानी है तो जीपी को हिट करेंगे, ठीक है ना, तो परचेजेस हुई क्रेडिट यानी कम, तो परचेजेस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एड रिपेयर एक्सपेंस ही लिख दो बेशक, या रिपेयर फ्रॉम गुड्स, ठीक है ना, और सही है जो भी लिखना है, बार 3.6, मतलब कहने का ये है कि ये परचेज में से माइनस करेंगे ना तो जीपी कम हो जाएगा, जीपी बढ़ जाएगा क्योंकि वो परचेज नहीं रही बल्कि एक्सपेंस बना लिया है, तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, बहरहाल ऐसे ना सोचें, अलग अलग समझ आ तो रहा है, ठीक है। और नंबर 6 को देखें, ये 6 आखिरी एडजस्टमेंट है,
मेरी तरफ से, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। 7 आप कर लेंगे बड़ी आसानी से, 9 भी मैं डिस्कस कर गया हूँ रिपेयर वाली के साथ ही कर लेंगे आप। मसला आपको आना है परचेज रिटर्न का। मसला क्या है? परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न बना लिया है, तो दोनों को अलग अलग सोचना, ठीक है ना। एंट्रियां शेंट्रियां करने की जरूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इसमें एंट्रीज करने की जरूरत, जस्ट सोचना परचेज रिटर्न का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा या नहीं, ठीक है ना। 3 एडजस्टमेंट्स रह जाएंगी, इनको आपने यहाँ पे करना है फिलहाल, तो मैं ये एडजस्टमेंट करवा दूँ। परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2017, हमारा ईयर है 31 दिसंबर 2017। 1 अप्रैल को एक ऑफिस कंप्यूटर खरीदा अमाउंटिंग टू 42,000। आगे ना पढ़ो, पहले ओरिजिनल लिख लें। नंबर 6 एडजस्टमेंट, ओरिजिनल एंट्री। ऑफिस, ऑफिस क्या है? ऑफिस, ऑफिस कंप्यूटर एसेट है ना। ऑफिस कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 42 से। ये होना चाहिए था, ठीक है। और वॉज एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, रॉन्ग क्या हुआ? परचेजेज डेबिट कैश क्रेडिट 42 से कर दिया, तो कोई मसला नहीं। ऑफिस कंप्यूटर डेबिट करना था, नहीं किया, कर लें कल, ना कर लें अभी, करें क्या कह रहे, कल कर लें। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। परचेज गलत डेबिट हो गई है, क्रेडिट कर दें 42 से। एसेट आए तो डेप्रिसिएशन तो आई जाती है, आपको पता है। अब परचे देखो, फिक्स एसेट हमें कोई लेना देना नहीं है, फिक्स एसेट बैलेंस शीट आइटम था, हमें जीपी एनपी चाहिए मसला। लेकिन मसला ये है कि ये जब फिक्स एसेट है ना, ये वहां जब भी आ जाए सारा डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आ जाता है। अब सोचने के लिए तो सारी रात पड़ी है, सोचते रहे बैठ के, ये कंप्यूटर जो डेबिट नहीं हुआ, अगर ये डेबिट होता तो डेप्रिशिएट होता, चूंकि नहीं हुआ तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ, तो आप डेप्रिशिएट करेंगे तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। अब भाई सादा सा उसूल रख लेना है, रेक्टिफाइंग एंट्री को देखना है। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लेना है, और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट कम हो रहा है क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन को भी कम कर लेना है। अब मुझे बताओ, रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट का बढ़ना है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना है, डेबिट है ना, एसेट बढ़ रहा है। डेप्रिसिएशन के बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये 42 ही डेप्रिसिएट होना था, ठीक है। आखिरी लाइन उसने बताया, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड एट 25%। तो हमने जब इस पे खामोश है तो स्ट्रेट लाइन ही लगाएंगे ना। लेकिन मसला क्या है? पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं, 1 अप्रैल को ये आया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अगर रिकॉर्ड करते तो 1 अप्रैल से शुरू करते ना इसकी डेप्रिसिएशन, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने? 9/12 बताओ भाई, 7.875 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, 7.875 से एक्युमुलेशन क्रेडिट, ओके। नाउ दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। अब इधर देखो, ना तो मुझे इससे कुछ लेना देना है और ना इससे, ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं। मेरी कंसर्न है परचेज और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। परचेज जीपी से ऊपर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जीपी से नीचे। परचेज बढ़ रही है, कम हो रही है? अब टेम्पो बन गया सवाल का, ठीक है। परचेज बढ़ रही है, कम हो रही है? परचेज का बढ़ना, परचेज का एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना जीपी को कम करेगा, लेस। ओह सॉरी, परचेज कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, सॉरी। परचेज क्रेडिट मतलब कम हो रही है, परचेज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो रही है तो प्रॉफिट को बढ़ा देगी परचेज, ठीक है जी। ऐड किया हमने, जब मैं यहां लिख लिया परचेज रिवर्स, तो मुझे फिर ख्याल आया, हाँ भाई समझ आ गई, परचेज एक्सपेंस है, कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कौन सा? जीपी। जीपी कितने से? 42 से। और एसेट को क्या करना हमने? अब बाय डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट लेस डेप्रिसिएशन। ओहो, एडजस्टमेंट ही लिखना छोड़ दिया मैंने, चलो घर पे लिख लेना। एडजस्टमेंट नंबर 6 स्टार्ट में लिखना चाहिए था, बहरहाल कि आपको ये बताने के लिए कि काफी है ये, ठीक काफी है ये, लिखने की जरूरत है। अच्छा, एडजस्टमेंट 6 क्या है जी? डेप्रिसिएशन चार्ज 7.8। अब चूंकि आप तो वो वर्किंग वहां कर नहीं रहे होंगे, जो यहीं पर ही ब्रैकेट में इस वर्किंग को शो कर देना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बढ़ी तो एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, पॉइंट नंबर 7 देखो, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 3,000 एंड एंटर्ड इन द सेल डे बुक, अस्तगफिरुल्लाह, द वैल्यू ऑफ दिस आइटम वॉज 5, द बुक वैल्यू ऑफ आइटम वॉज, भाई देखो कॉस्ट और अकोमोडेशन अलग नहीं ना गिवन, तो सुकून ही है, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, मैं तो कहता हूँ ये एंट्री भी फटाफट कर ही दें। नंबर कौन सा, नंबर कौन सा एडजस्टमेंट का? नंबर 7 ओरिजिनल एंट्री। अगर अकोमोडेशन नहीं गिवन तो ठीक है, एसेट को क्रेडिट कर दो बुक वैल्यू से। नाम क्या एसेट का? फर्नीचर बुक वैल्यू, याद है ना, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना सिखाया था, नहीं सिखाया था? अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो कॉस्ट ने अलग क्रेडिट नहीं होना,
और एक्यूमुलेटेड डेबिट ने अलग डेबिट नहीं होना, बल्कि इन दोनों सेट्स को नेट करके एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू से ही क्रेडिट कर देते थे। और बुक वैल्यू सवाल ने बता दी कितनी है, 5000। पढ़ लो। एन आइटम ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड, आगे देखो, द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वॉज 5000। किस दिन? अब जाहिर सी बात है, जो डेट जिस दिन बिक रहा होगा उस दिन की बताई होगी। अब सवाल खामोश है तो हम क्यों ऐसे बेलने बाजू दें? बस ठीक है, डिस्पोजल की डेट की बुक वैल्यू है, ठीक है। अब अगली बात, द आइटम वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इधर देखो, कैश नहीं आया आज, क्या जी? रिसीवेबल, डेटर नहीं, रिसीवेबल। कितना? 3000 है। अच्छा, 3000 भैया, समझ आया? पैसे आए नहीं, आ जाएंगे, उधार पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है हमने, लेकिन 5000 वाली चीज कितने में बेची है? तो 2000 का लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल। इन्हें जाना जाए प्रॉफिट एंड लॉस से, शिकार मिल गया, वाह वाह सुभान अल्लाह। ना तो मुझे इससे कोई सरोकार है, ना इससे मुझे सरोकार है इससे, लेकिन अभी रुको, अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, ये ओरिजिनल है। रॉन्ग एंट्री क्या होगी सर, ये तो चेक करो। एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड एंटर्ड इन सेल डे बुक, मतलब उसने एंट्री कर दी है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। उसने क्या एंट्री कर दी? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब मकसद कहने का ये है, यहां डेटर रिसीवेबल जो भी है, हमें तो इससे कोई लेना देना होता ही नहीं है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, डेटर डेबिट होना था या रिसीवेबल जो भी होना था वो हो गया, डेबिट कुछ ना करो। प्रॉफिट लॉस डेबिट होना था भाई, नहीं हुआ, कर लो लॉस ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कितने से? 2000 से। फर्नीचर क्रेडिट होना था 5000 से, नहीं हुआ, कर लो क्रेडिट 5000 से। सही है जी, डन डन डन, रिसीवेबल हो गया जी, सेल गलत क्रेडिट हुई है, सेल कहां से थी, डेबिट करो, बत्तमी दो, 3000। अब इधर देखो, मुझे फर्नीचर से क्या लेना, ये लॉस ऑन डिस्पोजल और ये सेल, ये है मेरी मनपसंद चीजें, ये क्या है मेरी मनपसंद चीजें, तो सेल क्या हो रही है, डेबिट मतलब कम, तो सेल का कम होना प्रॉफिट को, जीपी को कम कर देगा, सेल रिवर्स एडजस्टमेंट नंबर 7, ठीक है जी, कितने से? 3 से, ठीक है। जल्दी जल्दी, लॉस ऑन डिस्पोजल, एक लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट ये बाद में आता ना जीपी के, ठीक है, तो लेस लॉस ऑन एडजस्टमेंट नंबर, मैं फिर लिखना भूल गया, 7, ठीक है, कितना? 2 माइनस। अब इधर देखो, बस 2 रह गई, इधर देखो, हाँ देख लो ना, ओनर हैड विदड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग इतने फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस, ड्राइंग्स को कुछ करना नहीं है, परचेजेस यहां पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सेल रिटर्न परचेज रिटर्न को मसला है, ये 2 एडजस्टमेंट्स करोगे। अब इधर देखो, यहां पे एक फिगर आएगी, इससे इस तक या ये बढ़ जाएगा या कम होगा जीपी, या तो 850 से बढ़ के आ जाएगी को फिगर, या कम होकर आ जाएगी। ये जो इंपैक्ट भी निकले, उस इंपैक्ट को यहां पर एक ही दफा एड या लेस करके आंसर निकालना, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अब मुझे इस तस्वीर को खींच के रखना है, और कल वाली क्लास से पहले पहले इस तरह कौन नोट कर लेगा, इस तरह कर लोगे, ऐसा ही नोट हो, ठीक है, इतना नोट कर लेना, इसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, इसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, मैं यहां से आगे बात करूंगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, ये सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस हैं, और ये दोनों पास पेपर में ही होमवर्क रहेंगे, कोई तीसरा फिलहाल नहीं दे रहा, इसको कंप्लीट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।